नमस्कार लक्षांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूमेंद्र कुमार देवांगन फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने वीडियो डाला था कि नया जो टाइम टेबल था वो स्थगित कर दिया गया है, जितने भी सेमेस्टर परीक्षा थे 21-22 के दिसंबर जनवरी वाले, तो उन सभी का जो टाइम टेबल आया हुआ था उसको स्थगित कर दिया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर बात ये हो रही थी कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, लेकिन फिर यहाँ पर जो है जो भी कन्फ्यूज़न था उसको यूनिवर्सिटी ने दूर कर दिया है और कहा है कि सेमेस्टर परीक्षा 21-22 का नया टाइम टेबल जारी करके आपको बता दिया गया है कि एग्ज़ाम तो ऑफलाइन ही होने वाला है। तो देखते हैं क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो देखिए, चलिए चलते हैं आगे यहाँ पर, तो देखेंगे अभी आज ही जो है 3/1/2022 को पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी ने जारी किया है सेमेस्टर परीक्षाएं दिसंबर जनवरी 21-22 की समय सारणी। सब कुछ सेम है लगभग, यहाँ से फिर जो चेंजेस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो स्टार्टिंग का जो था 7 से 10 बजे तक का समय दिया गया था, जो कि एग्ज़ाम का टाइमिंग था 7 से 10, तो इसको चेंज कर दिया है और 11 से 2 बजे तक, किसी किसी कोर्स का 11 से 2 किया हुआ है। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं आप 11 से 2 किया हुआ है, 11 से 2 बजे तक का समय दिया गया है। ठंड में सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में आपका एग्ज़ाम रखा गया था, जिसमें जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए पूरा PDF जो है 42 पेज का है। जैसे मैं किसी और एक कोर्स का दिखाऊँ MBA का, यहाँ पर भी 11 से 2 बजे तक ही है। यहाँ पर PGDCA वालों और DCA वालों का भी बात करें, चाहे हम यहाँ पर भी वोकेशनल वालों की बात करें, BEd वालों की बात करें, BBA वालों की बात करें, देखिए सबका 11 से 2 लिखा हुआ है। ठीक है, सेंटर ऑफ बेसिक साइंस का भी 11 से 2 ही है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए बेसिक साइंस वालों का, इसके बाद ये देखिए LLB वालों का भी 11 से 2 बजे तक ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह अब जो है वो केवल और केवल समय परिवर्तन करके आया है। और अपना अपना टाइम टेबल एक बार सही में क्रॉस चेक कीजिएगा कि डेट वगैरह कुछ चेंजेस तो नहीं हुआ है, सब अपना अपना चेक करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ऐसे में क्या है, पूरा एक एक लोगों का बताना संभव नहीं है, इसीलिए जो है यहाँ पर ये PDF को डाउनलोड करने के लिए मैं एक लिंक दे रहा हूँ नीचे में, अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से लिंक को टच कीजिएगा, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए PGDCA का जैसे मैं बोल रहा था 11 से 2 बजे तक किया है, और वैसे ही यहाँ पर 11, 14 और 17 तो है, 11 फरवरी को है एग्ज़ाम। अब यहाँ पर देखिए डेट चेंज हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है इसका जो था वो 25 तारीख से स्टार्ट था, 25-27 ऐसा कुछ था डेट। अभी देखो यहाँ 11, 14 और 17 कर दिया गया है, वो भी फरवरी में, तो टाइम भी आगे बढ़ाया, डेट भी आगे बढ़ाया टाइम के साथ साथ, कहने का मतलब ये है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप क्रॉस चेक करें, मुझे जिसका याद था मैंने बता दिया। ठीक है, बाकी आप अपना अपना जो है डेट को चेक कीजिएगा, टाइम तो 11 से 2 बजे तक ही है। ठीक है, तो ये नया था आपके लिए कि फिर से टाइम टेबल को जारी कर दिया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें शुरुआत पेज में, तो ऑफलाइन या ऑनलाइन के ऐसे कोई बात नहीं की गई है, लेकिन अब ये जो है ऑफलाइन के लिए ही जारी हुआ था, तो ऐसे भी लेटर ले चुका है गवर्नमेंट से कि वो ऑफलाइन परीक्षा करवाना चाहता है, तो उसको अनुमति भी मिल गई है रविशंकर यूनिवर्सिटी को। तो दोस्तों, ऑफलाइन के लिए तैयार, फिर तैयार यहाँ आपकी कुछ देर के लिए थम गई थी जरूर, लेकिन फिर से आप अपनी तैयारियों में लग जाइए और तैयारियां कीजिए अच्छे से और एग्ज़ाम दिलाइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नए वीडियो में मिलेंगे जरूर। एग्ज़ाम फॉर्म को कैसे भरना है रेगुलर वालों का, है ना, ये वाला वीडियो के लिए तो मिलेंगे। तब तक के लिए जो है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, सभी तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।